इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली विच तुहाडा स्वागत है। अज असी आलू चकलियां बनावांगे, इन्हां नूं पोटैटो स्लाइस भी कहिंदे आ। जिहदी रैसपी तुहानूं अच्छी लगे, पसंद आए, तुहानूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां ओह भी प्लीज़ कर दिओ, ते बैल आइकन भी प्रेस कर दिओ तां कि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। ते इहनूं बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत असी एक एक करके तुहानूं दिखाने। आ देखो जी, असी पहले ये आलू ले सी, इहनूं असी उपर छिलका नहीं उतारिया इहदा, ते इहनूं इस तरह असी स्लाइसड कट लिया। एक असी आलू रखिया, तुहानूं स्लाइस कट के दिखावांगे। ते इह 400 ग्राम आलू सी, ते इहदे वास्ते जिहड़े मसाले यूज होने ने, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ते सरसों के तेल च असी इहनूं बनावांगे। आ देखो जी, असी एक आलू तुहानूं कट के दिखाने आ, तां इह असी पहले धो के वॉश करके असी रखे हुए सी, ते असी इस तरह दे इहनूं स्लाइसड कट लेना। इस तरह की स्लाइस भी कट सकते हैं, राउंड च भी कट सकते हैं, जिस तरह तुम्हें ठीक लगता उस तरह की स्लाइस असी इन्हों कट सकते हैं। तो हम असी बनाना शुरू करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट असी तेल पा लिया, तो जिन्ना क जरूरत है, जिन्ने साडे आलू जिहड़े फ्राई हो जाए। आदि कोई तेल बहुत घट पैंदा, बस जिवें गर्म होएगा आलू असी इहदे च ऐड कर देंगे। बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत घट मसालियां नूं पैंदे ने, तो बड़ा हाजमेदार है, बंदे ने हल्के बहुत बंदे ने। तेल असी गर्म कर लिया, उस तो बाद असी इन मीडियम फ्लेम करता, तो आलू असी यदि ऐड कर लगे। हाँ देखो जी, आलू असी सारे ऐड करन तो बाद असी इन्हों ऊपर नीचे करांगे। मीडियम फ्लेम से असी फ्राई करांगे जी। ये 400 ग्राम नहीं थी आलू, 600 ग्राम है। 400 पहले मेरे को बोलिया गया, एक्चुअली 600 ग्राम आलू है। तो असी इस तरह के स्लाइस कट लें। हाँ देखो जी, इन्हों हम असी अच्छी तरह मिक्स करना, तेल से इन्हों फ्राई करना, मीडियम के फ्लेम असी फ्राई करी जाना। इन्हों कितने मिनट फ्राई करना है? 3 to 4 मिनट असी इन्हों फ्राई करा। उस बाद नमक और मिर्च पा के इन फिर इन कुछ देर ढक के रखें, नहीं ढक के रखना इन्हों 2-3 मिनट। उस बाद ढक के रखा, फिर उदो देखा बाद 2-3 मिनट बाद पोजिशन है, बिल्कुल विदाउट पानी इन्हें तो टच नहीं होगा बिल्कुल। फिलहाल असं इन 3-4 मिनट फ्राई करा। आ देखो 3 मिनट सू फ्राई करते हो गए हैं, असं उन्होंने नमक ऐड कर लगे हैं। आदो एक चम्मच असी पाया, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक घट वो पा सकते हो। थोड़ा जो टच असं लाल मिर्च का थोड़ा जहा टच देना, यानी कि छोटे चम्मच का 1/4 कह सकते हो, बाकी ये है भाई बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक घट वो पा सकते हो। हूँ असं इन अच्छी तरह फिर मिक्स करा। ये हम असं सिम से कर दिता, क्योंकि ये मीडियम जो फ्लेम है वो भी ज़्यादा लग रहे हैं, फिर ताकि नमक और मिर्च नीचे सड़े ना। और अच्छी तरह से मिक्स कर दें, 1-2 मिनट असं इन फिर फ्राई करा। आदो कोई 2-1 मिनट असं होर फ्राई कर लेने, बस इस तो बाद असं इन ढक्कन देन लगे हैं। 3 मिनट ढक्कन असं 3 मिनट असं ढक्कन देंगे, बिच असं चैक भी कर लवेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तो असं सिम से गैस की हुई है, सिम से बन गए, क्योंकि जो तेज़ कर देंगे सड़न ला देंगे। देखो 3-4 मिनट हो गए सी, असं ढक्कन ला के इनू थोड़ा उपर थले कर दिता इन, पर हाले च कसर हैगी, तो इन असी 5-6 मिनट असी होर रखांगे, तो नाल बिच असी चैक करते रहेंगे। उस तो बाद असी देखते हैं किन्ने के गले हैं, असी थोड़ी थोड़ी देर वास्ते रख रहे हैं ताकि नीचे ना लग जाए, कट्ठा रखन तो रखिए इन तो। आखो जी ढक्कन देन लगे इनू, क्योंकि ये कोई पानी तो ऐड है नहीं है, तो इन 5-6 मिनट फिर रखेंगे, बिच चैक करेंगे। देखो जी 6 मिनट हो चुके हैं, असं कट के देखते हैं कि ये पोजिशन है। मिक्स पहले कर दें, हाँ जी देखो जी गल गए। देखो ये साढ़े पूरे गले पे ने, आलू साढ़े तैयार ने, तो असी हूँ असी काली मिर्च असी उत्तों असी मिक्स करनी है थोड़ी जी, बस अद्धा पौना चम्मच छोटा जिहड़ा हैगा इहदा असी मिक्स करना, क्योंकि इहदे नाल टेस्ट तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। देखो जी असी इहनूं सिम ते पकाया, मिक्स करांगे, सारे सिम ते बने, घट सेक ते बने ने। एक मिनट असी इदा इन्हों फ्राई कर लवेंगे, काली मिर्च पा के मिक्स करके 1-1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे।
एक डेढ़ मिनट करना फ्राई असी इन एक डेढ़ मिनट फुल सेकते इन्हों कर लिया जो कोई मॉइस्चर से सुक गया साढ़े बन के बिल्कुल तैयार हैं तो तुम असं हूँ अलग कट के दिखाने देखो जी अलग कट के दिखाने बहुत वधिया आलू चकलियाँ बने इन्हों स्लाइस पोटैटो भी कहते कितनियां हल्कियां बनियां क्योंकि कोई भी हैवी मसाला जो यूज़ नहीं किया गया ये बहुत हल्के बनते हैं और बहुत जल्दी हजम होते हैं। आ देखो जी स्लाइस्ड पोटैटो बन के साढ़े बिल्कुल तैयार हैं उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आएंगे एक बार बना के देखो। थैंक यू वेरी मच।